अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो सभी किसान बंधुओं, हमारे मेरा निर्णय करिए, और मेरे रोजगार का क्या है, या तो मेरे को रेलवे में उनका अगर अपना बिठा था या अपन टाइम मीटिंग होती कोई चीज के यहाँ है तो अंदर अपन अपनी बात बहुत अच्छा से रखता, लेकिन सबसे पहला किसान ना का हित की बात रखता, तो वह उसमें कोई संबंधित मामला में नहीं भी विधायक सांसद जो भी है स्वीकृति है, पर अब उन्हीं बात का अब भी रखा अच्छा से रखागा, जो अच्छा से अच्छा हो सकता हूँ करागा। केंद्र सरकार से चार गुना को प्रावधान है, और इंदौर बुधनी रेलवे लाइन है, इसके सभी किसान साथी आए हैं। मैं सबसे सुनो कि वो भी किसान रखा देता है, उस पर जो भी आगे अपने को इनका प्रस्ताव यहाँ से भेजना है, कैसे इनका समस्या का समाधान हो, कैसे इनको फायदा हो। जय जवान, जय किसान, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो सभी किसान बंधुओं, आज हम सब मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं, शांतिपूर्ण रेलवे लाइन के सभी किसान बंधु एकत्रित हुए हैं। आज हमारी मांग यह है कि हम विधायक महोदय के कार्यालय पे आकर उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार हमारे साथ, हमारी जमीन कोड़ियों के दाम ले रही है, उसमें दो गुना तीन में गाँव पटवारी आया था और जगह ना गया गौ चरण में, ये जगह देखो गया गौ चरण साहब, तब ना भी जो भी कब्जो करे होगो या रेणो शुरू करे होगो तब तमार भी नहीं मालूम होगा। हमारा हर गरीब का काम हुआ है, मगर बात यह है हमारी गौ चरण की जमीन आप आवास में करवाओ, हमारे लोग डरा देखो तब हमारे प्रस्ताव और उनका कलेक्टर का पंचायत संतुष्ट है। हम हमारी तो नाली तो नहीं है। अब एक और चीज है, तम सब है जो मौखिक अपन किदानी उससे कभी भी कोई समझ है भी कि नहीं आगे। अब एक और चीज है, तम सब है जो मौखिक अपन किदानी उससे कभी भी कोई समझ एक बात अभी तम सब नहीं है, पानी की बात करा तो हमारे पीना की समस्या से तुम्हारा अगर वहाँ कोई करने हो तो हमारे पटवारी आया था और जगह ना गया गौ चरण में, ये जगह देखो हाईकोर्ट को गौ चरण साहब, तब ना भी जो भी कब्जो करे होगो या रेणो शुरू करे होगो तब तमार भी नहीं मालूम होगा। गौ चरण चालीस साल पहले जब ये पट्टे बने थे, जब गांव हमारा गौ चरण में नहीं था, अगर होता उस समय पे तो ये पट्टे भीमसी के नाम से नहीं बनते हमारे, और आज ये किया जा रहा है, नए मंत्री सरपंच वगैरह आ रहे हैं तो आज हमको कांकड़ पे उठा के फेंक दिए और बोल रहे हैं बोले गौ चरण में आ जा रहा है तुम्हारा जमीन, जब ऐसा था तो पहले ये नहीं बनना था, और ये नहीं बनता तो आज हम उस समय पे हमारे झोपड़े टापरे जो भी बने हुए हैं वो हम नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि हम समझ जाते कि वो गौ चरण में था, लेकिन आज ये प्रूफ है हमारे पास के मतलब कि हमारे को आज 50-60 साल पहले से हम वहाँ रह रहे हैं और आज भी रह रहे हैं, और आज भी हमारी मांगे स्वीकार नहीं हो रही, और लेकिन आज तोड़ने मकान की बात आ रही है, हमारे बीवी बच्चे को लेकर रोड पे कहाँ रहेंगे हम आज। क्या मानते सरकार की त्रुटि है ये, सरकार को हमारे को मतलब कि ये अगर बनाना था तो हमारे को पूरा उसका हल मिलना था, आज उसका लाभ हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये पहले सरकार को नहीं देना था, गांव के सरपंच मंत्री को नहीं देना था, और आज खुद गांव के सरपंच मंत्री बोलना चाहते हैं हमको आके के धमकी दे रहे हैं कि बोले कि गांव चरित में है तुम्हारे मकान, आज नहीं कल टूट जाएंगे, तो हमारी व्यवस्था हम आज यहाँ नहीं बताएंगे सरकार को तो फिर किसको बताएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? लाखन नायक। पूछे थे किस समस्या को लेकर आए थे विधायक निवास साहब? भैया विधायक जी के पास हम समस्या ये लेके आए थे, ग्राम भीमसी की गऊ चरण में कर रखी है जमीन, उसे हम चाहते हैं उनसे निम्न निवेदन करते हैं विधायक जी मोदी जी से कि वो आवास में करवाए हमारी जमीन, हम 70 साल से हमारे बुजुर्ग वगैरह रह रहे हैं, हमारा जन्म भी वहीं का है, हमारे पास आधार कार्ड परिचय पत्र
राशन कार्ड सभी वहीं का प्रूफ है, निवासी प्रमाण पत्र सभी वहीं का है। और महोदय जी से निवेदन है, कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन है कि कलेक्टर महोदय जी इस बात पे आप ध्यान दें, हम गरीबों पर और ये ग्राम आबादी में करवाएं। अच्छा, अभी क्या क्या समस्या आ रही है जब ग्राम आबादी में नहीं है आपका क्षेत्र? तो भैया समस्या तो बहुत कुछ है, अभी नाली की समस्या है, क्या मकान तोड़ने की तो बात नहीं हुई, मगर नाली की समस्या है भैया, बहुत समस्या है। अभी सड़क वगैरह नहीं है हमारे पास, पट्टे हमारे पास बहुत पुराने पट्टे हैं सोनिया गांधी जी के हाथ के, फिर भी पट्टे होते सोते भी फिर ये गाँव चरण में कर दी इन्होंने जमीन। अच्छा, कितने वर्षों से आपका निवास और कितने लोग हैं वहाँ? भैया निवास तो हमारा 70-80 सालों से निवास है, हमारे बुजुर्ग भी वहाँ पे मर गए और मेरा हमारा जन्म भी वहीं का है, और पट्टा भी है हमारे पास, ये देखो ये सोनिया गांधी इंदिरा गांधी वाला पट्टा भी है क्या, और फिर भी इन्होंने गाँव चरण में कर रखी है। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी समस्या स्वीकार करें और हमारी समस्या का समाधान करें। आपका नाम? राजेश नायक, जिला अध्यक्ष देवास क्षत्रिय नायक समाज से। रेलवे भुतले लाइन वाले गांव वाले आए थे मुआवजे की राशि को लेकर, क्या चर्चा हुई आपके? ये जो इंदौर बुधने रेलवे लाइन निकल रही है हमारे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य अन्य जिन भी विधानसभा क्षेत्र से निकले, चूँकि हम खुद भी पहले किसान हैं और किसानों की समस्या मतलब हमारी अपनी समस्या है, इसमें जो मांग किसानों के द्वारा की जा रही है वो है कि जो गाइड मूल्य सरकार के द्वारा तय की गई है उससे दोगुनी राशि अभी मुआवजे के रूप में किसानों को दी जा रही है। किसान साथियों का कहना है कि अभी बाजार मूल्य ज़्यादा है ज़मीनों का, और निश्चित रूप से कई जो छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनें जब बढ़ जाती है, पटरी बीच में आ जाती है, दोनों तरफ बढ़ जाए तो कम जमीन में खेती भी नहीं कर पाते हैं, अन्य अन्य कई समस्या हैं जिन आइन उनकी मांग है। निश्चित रूप से हमने तत्काल जैसे आए कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में चर्चा की है, अधिकारियों का अवगत कर यहाँ से हमारे जिले से जो प्रस्ताव बन सकता हो प्रस्ताव बना करके प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी से अवगत करवा करके इनकी समस्या का यथासंभव समाधान हमें करवाना है, इस निश्चित रूप से करवाना है।